है वो सामने लगा हुआ, वो सामने लगा हुआ, वो देखें वो सामने दीवार। जिला भाई बोलते हैं जी आप जिस कंपनी का कहोगे, जहाँ से कहोगे मैं वहाँ से देसी घी ला के यूज कर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम फिर आए जी जिले के पास और आज हमारा है जी पांचवा दिन और अभी मैं चौथे दिन चार दिन मेरे हो चुके हैं, चार वीडियो मेरी लग चुकी हैं अभी तक। जी आज इन्होंने बनाए थे जी चप्पल कबाब, हम हो गए लेट, अभी के 3:30 बजे से पहले ही आज खत्म हो गए। बहरहाल अभी चलते हैं अंदर और जाकर हम मिलते हैं अभी जिला भाई से, क्योंकि हम आए हैं तो उन्होंने बोला जी आप खाना वगैरह खा लें, आप वीडियो आज बाद में बनाना। और हमारे नसीब में आज थोड़ा से थे, बहरहाल जितना भी था अल्लाह का शुक्र है। हमारा मकसद होता है सिर्फ चीज़ को टेस्ट करना, चीज़ का जायके का पता चले कि ये चीज़ आज की क्या थी और इसका टेस्ट और जायका क्या था। आज के स्पाइसी कबाब थे देसी घी वाले और बहुत ही मज़ेदार के थे। ले नहीं चलते अंदर जिला भाई से आपको मिलाते हैं नहीं। और उसके दरमियान में अभी मैं बाहर व्यू ले रहा था लोगों से, आज एक बंदा मिला जी जिसने कहा जी देसी घी असल नहीं है, उसको मैंने बड़ा मनाया है। मैंने उसको बोला मैं आपको इनाम लेके देता हूँ जो मेरा पिछली वीडियो में लग चुका है। जिला भाई ने बोला जी आप मुझे कोई भी गलत साबित करें मैं 1,00,000 रुपये इनाम दूंगा। उसको मैंने बोला यार आपको जहाँ से असल घी मिलता ना आप वो बताएं, वो ला के यूज़ करेंगे फिर आप बताएं कैसा टेस्ट है। वो कहता जी मैं नहीं मानता। मैंने कहा यार आप असल देसी घी पे भी नहीं मार रहे, आपके बकौल ये दो नंबर, आप दो नंबर भी मान रहे, आप मानने के कैसे। उसने बोला जी कि मैं नहीं मान सकता, मेरा मोबाइल हो गया हीट जिसकी वजह से, मोबाइल बंद होने की वजह से पता नहीं चला और टेक पूरा नहीं बना। बारह आलमा भी आपको वो भी वीडियो दिखाता हूँ थोड़ी। आज माशाल्लाह से जी बहुत ज़्यादा रश था और अभी हम पहुँचे हैं, वैसे हम लेट ही हो गए हैं तो टिक्कियाँ वगैरह खत्म हो गई हैं और सारी ऑडियंस का रश यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा रही और अभी लोग वगैरह खा रहे हैं अभी खाना वगैरह ना, तो अभी चलते हैं जाके देखते हैं अंदर जी क्या सीन है जी। तो जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी मुझे लग रहा है आप ही लेट हो गई हैं कि नहीं? नहीं मुझे बस एक बचत हो गई है, आखिरी दो मुझे मिली है, आखिरी दो आप ही मिली है, बचत हो गई आप पर भी नहीं था लेकिन मुझे मिल गई। चल यानी कैसी है टिक्की थी? बस अच्छी बनी है। मेरी अम्मी कुछ लेट हो गई है, आज 3:30 से पहले सारा कुछ खत्म हो गया है, हमें भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि जुम्मा था, हम खुद लेट हो गए हैं और जिसकी वजह से ये काम हुआ है। ले आप खाए खाना बेहतरीन है, गुड है जी। नहीं कह रही माशाल्लाह से बेहतरीन है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी भाई जान कहाँ से आए हैं आप? भैया हम यतीम खाने से आए हैं। यतीम खाने से आए हैं तो पहली दफा आए हैं कि पहले भी आए हैं? यानी फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो कैसी है टिक्की ये? बेहतरीन है। तो इतनी दूर से आने का फायदा हुआ आपको? फायदा हुआ, बस थोड़ा रश था लेकिन फायदा हो गया। चले टाइम से ही शुक्र करें आपको फोन किया, खत्म भी हो गए अभी 3:30 महीने हुए। ले रही आप खाए जी, बिस्मिल्लाह करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से आए हैं आप? हम इधर मुस्लिमगंज मोड़ से। इधर पास से आए हैं? जी जी करीब ही है। तो पहली दफ़ा आए हैं कि पहले भी आप आए हुए हैं? नहीं नहीं पहली दफ़ा। पहली दफ़ा आए हैं, कैसा था टेस्ट आज का? ठीक है, बेहतर है कि इतना आउटस्टैंडिंग जितना वो किया हुआ है ना मशहूर के भाई। अच्छा अच्छा, बड़ा मज़ेदार था। नहीं उनकी जो डिफरेंट चीज़ है वो देसी घी है ना बेसिकली, जो मतलब कि आपको लाहौर से हट के चीज़ मिल रही है। आप किसी भी फूड पॉइंट पे चले जाते हैं वहाँ पे आपको देसी घी में मतलब कि फ्राई करके तो नहीं दे रहा इस प्राइस के अंदर, क्या ख्याल है? असल वजह इनकी ये है कि इस प्राइस के अंदर ये आपको देसी घी में और सबसे कम प्राइस में आपको ये आपको निकल आते दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक हांडी में कितना को घी डाल जाता है। अच्छा, डब्बा कितने का है? 1,000 रुपये का है। अच्छा, 1,000 रुपये के अंदर 10 किलो की हांडी पक जाती है आप कह रहे हैं? हाँ जी, 1 किलो घी के अंदर 10 किलो हांडी पक जाती है। चले डालते हैं आप डालते हैं ये जो अभी फ्राई कर रहे हैं ना जिसके अंदर वो देसी घी में फ्राई कर रहे हैं भाई, कितनी को फ्राई हो जाएगी? कितनी को? चले आप कहते हैं नहीं, 150 रुपये की डील है। अच्छा, 150 रुपये की डील है। ठीक हो गया, दो कबाब है। ठीक हो गया, 50 रुपये का घी हो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, उसके अंदर आपके 6 कबाब आराम से फ्राई हो जाएंगे। 50 के घी में 6 कबाब फ्राई नहीं होते? नहीं होते। अच्छा, आप हांडी तो नहीं पकाते, घर जाके अपनी वालदा से पूछना, वो आपको बताएंगी कि 10 किलो हांडी के अंदर कितना घी डलता है। इसको अगर 10 किलो की देख होगी ना, अगर इनको नहीं बचा रहा, मैं ये बात करूं, अगर 10 किलो की देख होगी ना आम घी, उसके अंदर 2.5 किलो डलता है। अच्छा, आपकी इतला के लिए 1 किलो नहीं डलता। अच्छा, चले कितने की? 10 किलो की, 1.5 किलो पर डल जाता है वो हांडी में डलता है, फ्राई में नहीं, फ्राई में ज्यादा लगता है। अच्छा, अगर आप कोई बर्गर वगैरह खाते हैं ना, अगर आप जिंगर वगैरह खाते हैं, आप उससे जाके पूछे कि वो कितना घी लगता है उसके अंदर। अच्छा, 2 किलो लगा ले। 2 किलो, 2 किलो के अंदर 100 कबाब नहीं होते। कितना कितना घी? ज्यादा से ज्यादा अभी 30-35 हो जाएंगे 2 किलो के अंदर। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मेरे वो कुछ नहीं लगते, मेरे वो कुछ नहीं लगते, मेरा वैसे अपना पर्सनली चैनल है, ठीक है। अगर मैं अगर वो
मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं हफ्ता हो गया आ रहा हूँ। अगर मेरे अगर वो पर्सनली कुछ लगते हो ना तो मैं आपसे लड़ाई करूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई 1000 रुपये किलो घी नहीं है देसी, आपकी तलाक क्या रेट है? मैक्सिमम 1400 से 1500 रुपये किलो घी है देसी का, देसी डब्बे का घी का नहीं, 1700 रुपये किलो घी है। अच्छा अच्छा, 2 किलो घी लगता है। अच्छा, उसके अंदर कितने कबाब फ्राई हो जाते हैं आपके ख्याल से? कितने हो जाते हैं आप बताएं आपके ख्याल से? यार मैं कहता हूं, आपसे सवाल किया, मैं कहता हूं, चलो नहीं, मैं कहता हूं 50, मैं कहता हूं नहीं 50 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर से मार ले, नहीं करे नहीं कैलकुलेटर करे नहीं ले रही, आप भी देख रहे हैं और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि भाई क्या कह रहे हैं और ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं ठीक कह रहे हैं, आपने ये ज़रूर बताना है। मैं क्या जो ये कहना चाह रहे हैं इनके हिसाब से वो ठीक है, ठीक हो गया 1700 रुपये का घी हो गया जी। आपके ख्याल में 50 कबाब इसमें फ्राई होते हैं? 50 कबाब लगा रहे नहीं फ्राई होते हैं नहीं, 50 कबाब फ्राई चले नहीं, कितने होते हैं? ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं आप बता रहे? 100 कबाब फ्राई चले नहीं, 100 लगा लेंगे आप, 100 लगाएंगे। कीमा कितने का? वो बाप ने बताना है ना, आप सारा कुछ बता रहे हैं आप बताएं। अच्छा जी, कीमा 100 कबाबों का कीमा कितने का बनेगा आपके हिसाब से? ये बोनलेस कीमा कितने का किलो है, क्या रेट है आप बता दें? मेरे मुर्गी का रेट है 400 रुपए किलो है, 450 रुपए आप लगा लो, ठीक है। उस किलो के अंदर मैक्सिमम कुछ भी नहीं ना, कुछ नहीं, 450 रुपए के मसाले भी डलेंगे, खाली नमक मिर्च भी डलनी, उसके अंदर प्याज भी डलना, ये वो इनके बकौल ये बादाम भी पीस के ग्राइंड करके डालते हैं, बीच में होते भी हैं ये के नहीं, पर होते भी हैं बीच में। अभी आपने खाए हैं, मैं लेट था क्योंकि कबाब जब इन्होंने जिस दिन बनाए थे ना उस दिन क्रीम के साथ ऊपर बादाम भी ऊपर लगा के देते हैं, मतलब कि उसको क्रश किए होते हैं ऊपर मिक्सर डाल के देते हैं, ठीक हो गया। आप 100 कबाबों के ऊपर 1/2 किलो बादाम भी डाल लें, कितने का किलो बादाम है? 1000 रुपये से मेरे ख्याल से बाफी हैं बादाम। अगर आप साफ करने पर आए ना, अगर आप साफ करके अगर आप खुद लगाएं ना स्टॉल, आप शाम को पल्ले से डाल के जाओगे, ये मैं आपको बता दूँ। इनकी क्वान्टिटी है 7-8 हज़ार में, और मेरा नहीं ख्याल अगर इनकी 2-2.5 लाख इनकी सेल होगी ना तो मेरा नहीं ख्याल इनको शाम को 30-40 हज़ार भी इनको बचता होगा। अगर इतना बचना है तो मेरे हिसाब से बहुत है, नहीं बचते है तो वो काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमें बचता है, हमारा दाल दलिया चल रहा है उनके बकौल। मेरे बकौल भी यही है, क्योंकि अगर आप देसी घी की बात कर रहे हैं ना, आप एक दिन की हांडी अपने घर 1 किलो चिकन देसी घी में पका के ना हिसाब करना, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात इनकी आएगी सर्दियों में चिकन मखनी आंडी, ठीक है, आपने वो आनी है ट्राई करनी है, घर जाएगी ना वही सेम चीज़ बनानी है, इसमें बादाम भी डालते हैं पिस्ता भी डालते हैं ये, ठीक है, वही चीज़ आके आपने घर 1 किलो बनानी है, 1 किलो देसी घी का डब्बा ले लेना, 1/2 किलो घी डले, पार डले, चटांग डले, वो आपकी सिर दर्द है, ठीक है। आपने इसको जाके ना उसकी एवरेज निकालना, अगर आप यही चीज़ घर बनाओगे ना आपको महंगी पड़ेगी, पर अगर आप इधर से खा रहे ना वो सर्वाइव कर रहे हैं ना, जब वो ज़्यादा चीज़ आप बनाओगे ना वो आपको सस्ती पड़ती है, अगर आप एक चीज़ घर में थोड़ी सी बना रहे हैं ना वो आपको महंगी पड़ेगी। इसी तरह आप सुनाए मैं सुन रहा हूँ, सुनाए नहीं, मैं ना करता हूँ हर्बल का काम। किस चीज़ का? हर्बल का काम। अच्छा, आप मेरे साथ अकबरी मंडी चले। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ शालम मार्केट चले। ठीक हो गया, मैं आपको यही डब्बा ना ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के अंदर लेके देता। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप 1000 मुझे मुझे अच्छा। पता है, मुझे अंदर की बातों का पता है कि क्या चीज़ कितने की है। ठीक हो गया, देसी घी अगर खाना होगा ना आपने, आप मेरे पास आइएगा घर में, आपको ना हांडी बना के खिलाऊंगा देसी घी। घर के हांडी अगर आप घर का अगर आप लोकल घी कहेंगे ना, आपके पाकिस्तान की फूड अथॉरिटी इसको अलाउ ही नहीं करेगी, या मेरी बात जहन में डाल लें, कंपनी फूड अथॉरिटी जो है ना आपके पाकिस्तान की, वो अलाउ करती है मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी जो आपके पाकिस्तान की है ऊपर मोड़ लगी हो, लोकल घी ला के मक्खन ला के यूज़ करेंगे ना, इनकी दुकान सील कर देंगे, बैन भी कर देंगे। ये मैं आपको भी बता दूं, ये जितने भी भाई खड़े हुए हैं, आपके ख्याल से आपकी लाइफ के तजर्बे के हिसाब से पाकिस्तान फूड अथॉरिटी बैन करेगी, सील करेगी कि नहीं करेगी इनकी दुकान, अगर जिस चीज़ के ऊपर नाम नहीं लिखा होगा, अगर वो बोलते हैं मैं गाँव से लाता हूँ देसी घी, वो भी बैन कर देगी? अच्छा, आपको फूड अथॉरिटी का नहीं पता? आम अभी दुकानें जो चल रही हैं जी जी, वो तो सिंपल घी में बना के दे रही हैं ना। हाँ जी, उनकी दुकानें सील नहीं होती हैं। मैंने आपने क्या बोला है? उनका घी कौन सा ले रहे हैं? सिंपल कंपनी के ले रहे हैं, कंपनी है, बेशक लोकल है, पंजाब है, मेरी बात सुनो, पंजाब की पंजाब ऑयल सबसे खराब खानों में सारा कुछ बनता है मेरे साथ, चलो मैं यार, एक पैकिंग तो है ना कंपनी का नाम है ना, देसी घी मैं गांव से लाता हूँ, उसका नाम कोई होगा? मैं आप मेरी बात नहीं है, उसका नाम तो नहीं होगा ना। चले सुनाए जी, सुनाए जी।
हलीब है ना जी, हलीब है। हाँ जी, इसके अलावा ये कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके अलावा किसान भी यूज कर रहे थे, गोरमे का भी यूज कर रहे थे। ये जितने लेबल उसके ऊपर लगे हुए हैं ना, ठीक हो गया, ठीक है, कैन एक ही होता है, जितने लेबल होते हैं ना, ठीक हो गया। इधर मेरे साथ लक्ष्मी चौक चले, मैं आपको बताता हूँ प्रिंट करके दे। दो चार नंबर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ। अच्छा बात, चले मैं आपकी इस बात का भी जवाब देता हूँ, आप बात कम्प्लीट करें। सस्ते से सस्ता आप अगर लेने के लिए जाए ना, आपको मार्केट में एक नंबर से दस नंबर तक माल मिलता है। ठीक हो गया, पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में जो जितनी इसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है उस हिसाब से इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है आपके हिसाब से। ठीक हो गया, आप इसे बेहतर टेस्ट ला सकते हैं। नहीं, मैं खुद क्यों घर ले गया हूँ? अगर आप नहीं ला सकते तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं? देखिए ना, मैं खाता हूँ खाने बहुत बहुत, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं ज्यादातर ना देसी फूड को पसंद करता हूँ। ठीक हो गया, जो एक चीज पसंद आ गई है ना, हम उसके पास दोबारा भी जाते हैं, ऐसे ही बार बार जाते हैं। ये ना हम लोग काफी अरसे से देख रहे थे सोशल मीडिया पर। आपने ना मेरे ख्याल से ना ये इनके चप्पल कबाब और कबाब टेस्ट किए हैं आपने, इनके चने खाए हैं, मखनी हांडी खाई है इनकी आपने, कोला हांडी खाई है जो इनकी फेमस है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मखनी हांडी है। अच्छा। जिसके ऊपर जिस दिन यहाँ पे लगेगी ना, इनके जो क्लाइंट कस्टमर है ना, वो डेली फोन करते हैं जी आज क्या लगाना, आज क्या लगाना है। उनके बकौल वो लगाएंगे सर्दियों में, अभी ये दो महीने है ना इसके अंदर वो नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके बकौल हम ड्रमी में लेके आते हैं घर से, वो ख़राब हो जाता है मटेरियल। अगर जिस दिन वो लगेगी ना यहाँ पे, आप रश देखना। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं जी प्रिंटिंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ। लो जी, इस डब्बे के ऊपर प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है, वो चीज़ दो नंबर है। यहाँ पे फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, इनके पास आते हैं, वो चेक करके जाते हैं, वो क्यों नहीं सील कर रहे? एक एक चीज की लाइसेंस है, वो सामने लगा हुआ, वो सामने लगा हुआ, वो देखें, वो सामने दीवार के ऊपर लगा हुआ पंजाब फूड। हाँ जी, लग गया। सौ बातों की एक बात मैं करूँगा कि हम लोगों को मजा नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने जितनी एडवर्टीजमेंट देखी थी, आप अपनी बात करें ना, आप इसके ऊपर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा। देसी की असल नहीं है, देसी की दो नंबर है, ये है वो, ऐसे वैसे यार, एक और आपको नहीं ना हो रही, आप मैं कर रहे हैं इस सूरत में, आपका शौक है, आपका शौक है, जो शौक होता है ना इंसान को, ये केटी के ऊपर चढ़ा आदत है, और जिसका शौक नहीं है ना वो घर से बाहर भी नहीं निकलता। बोला क्यों यार, मैं बाइक से निकलूंगा गिर जाऊं टांग ना टूट जाए। अच्छा। शौक पे डिपेंड करता, आपका शौक है ना आप आसमानों को भी सर कर लेंगे। अगर आपका शौक नहीं है ना तो आप अपने गली की ना फुट पास की या किसी को भी नहीं आप क्रॉस कर सकते, ये शौक पे डिपेंड करता है। अगर मेरा ये शौक है ना तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपनी जात के ऊपर एक रुपया भी नहीं लगाता। यहाँ निकल के मुझे मेरे दोस्त देखते हैं, यार आप जूती नहीं लेते सही। अच्छा। मैंने कहा यार मेरा ये शौक नहीं है। अच्छा। मेरा जो शौक है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, शौक पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं जी वो कंपनी ये वो, जिला भाई बोलते हैं जी आप जिस कंपनी का कहोगे, जहाँ से कहोगे मैं वहाँ से देसी घी ला के यूज़ करूँगा, इसके ऊपर अब आप क्या कहेंगे? आप तो काम करते हैं, हमारे पास ना आपको ये भी पता है कहाँ से मिलता है। जी जी, हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है ना जाके ये चेक करें कि इसी कामों में रहें कि भाई आज यार देखे ना, सुन लें पूरी बात ना, सुन लें मैंने आपकी बात पूरी, ठीक है, नहीं काटी आपकी। अच्छा, हम लोगों ने हमारा पास जो है ना फालतू का टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है ना जितनी एडवर्टीजमेंट हमने सुनी है ना जी जी उसके मुताबिक ना इसका टेस्ट नहीं है जो मैंने अच्छा, कबाब खाए हैं। अच्छा, जितनी एडवर्टाइजमेंट सुनी है आपका ऊपर उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं है, पर आप यूट्यूब पे या टिकटॉक पे बैठ के गलत कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए टाइम है। टिकटॉक के ऊपर ना मैं यूज़ करता हूँ टिकटॉक। अच्छा, तो यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब के ऊपर गलत कमेंट करने का टाइम होता है यार। आप देखें ना, आप देखें ना, नहीं मैं बहुत लोग कमेंट करते हैं, आपने सिंपल सा कहा दो नंबर होता है, वो इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि मेरी चीज़ में कोई फॉल्ट निकाले। मेरी इससे पहले की वीडियो आपको मैं बताऊंगा, आपने जाकर देखना है उस वीडियो के ऊपर इन्होंने कहा मेरा कोई देसी गीगल साबित कर दे, मटीरियल साबित कर दे, मैं उसको एक लाख रुपया नाम दूंगा। ये उनका वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास सेल्फिया, अगर आप गलत साबित करते हो मैं आपको एक लाख रुपया मैं नाम लेके दूंगा। अच्छा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये लाइव ये चलेगी टिकटॉक ये यूट्यूब के ऊपर, सॉरी ठीक हो गया, लाख रुपया नाम नहीं चाहिए। अच्छा यार, आप बैठा यार मैं बात आपसे कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं चले, वो ये कह रहे हैं क्या, मुझे ये बता दें असल कहाँ से मिलेगा? मेरे बताने का मकसद पता है क्या? मेरे बताने का मकसद ये है। अच्छा, ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इनकी दुकान और ईगा में आ रहे हैं तो आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ सकता। ये कह रहे हैं ना कि इस तरह का खाना कोई नहीं बना सकता या इस तरह का कोई इस मटेरियल में देसी घी में पाकिस्तान में कौन दे रहा है इसके अलावा खाना?
पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं लाहौर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा था खाली कि देसी घी के अंदर खाना आपको पूरे पाकिस्तान में कौन दे रहा है यार। ये मैं तो इस चीज़ की बात कर रहा हूँ यार, वो एक स्पेशल मिलती है ना, बनवाते हैं जाके बट वाले के पास चले रहे हैं, उसको जाके बोलेंगे देसी घी में कढ़ाई बना, अगर उसको आपको बोलेंगे कढ़ाई बना वो देसी घी नहीं डालेगा, अगर देसी घी बोलेंगे तो वो डालेगा, उसके वो लहदा पैसे चार्ज करेगा। चले सर मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं माजरत क्यों चाहना, आप मेरे भाई हैं। मैं आपको ना मेरी बात सुने, अब आपने ये वीडियो पूरी कर ली। मैंने वीडियो पूरी कर ली। अब आपने ना इस वीडियो के बाद आपने मेरा नंबर लेना है, ठीक हो गया। आपने मेरे घर आना है, ठीक हो गया। ठीक है, आपने मेरे गोदाम में, ठीक हो गया। फिर मैं आपको चीजें भी दिखाऊंगा, ठीक हो गया। एक नंबर कौन सी अभी हो गया खत्म, दुकान तो बंद होगी, आपको नजर आ ही रहा होगा, तो हमारे भी शुरू में आप यही है टेस्ट कर लीजिए कबाब कैसे है, चप्पल कबाब लेवल आई भी और ये कमाल गहरी औसम है, और जो बंदा आज हमने भाई पकड़ा वो बहरहाल नहीं मान रहे थे मेरा मोबाइल हीट हो गया बंद हो गया, जिसकी वजह से उसकी कम्प्लीट आखिरी वीडियो नहीं बनी, वो मुझे बाद में पता चला मोबाइल बंद हो गया, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो अपनी कम्प्लीट कर दी थी। बंदे को मैंने बोला जी आप अपना देसी घी ला के यहाँ पे बना के, मतलब जो आप कहेंगे वो असल वहाँ से ले आएंगे जाके, अकबरी मंडी का बंदा था वो बंदा नहीं था मान ला, अकबरी मंडी में आपको पता है 6 नंबर 8 नंबर 1 नंबर सब होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं आप इनकी तरफ, मैं क्या यार मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, ना तो ये मुझे खाने को देते हैं ना मैं इनको खाने को देता हूँ, और ना ये मुझे पैसे देते हैं ना मुझे इनसे कोई मतलब है, बात है जितनी चीज़ क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना उसको देखना चाह रहा हूँ, अब वो बंदा इस तरह की बातें कर रहा था तो मैं चाहता मैं उसका ब्लॉग ना डालूँ, पर मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चलेगा वो क्या कह रहा है, वो एंड जिक्र वो नहीं माना। मैंने कहा यार वो एक नंबर अगर देसी घी आके डालते फिर आप क्या कहोगे, कहता जी मैं नहीं मानता नहीं, मैं कहा फिर भाई तू ठीक है हमारी गलती है, हमने भाई तुझे आगे पकड़ा तुझे तंग की है हमारी तरफ से भाई तुझे मान रहा करी, क्योंकि वो असल में देसी घी में भी नहीं मान रहा, जो असल देसी घी में नहीं मान रहा उसको पता नहीं किसमें मानेगा। नहीं जीरा भाई आज के चप्पल कबाब से आपके चप्पल कबाब ही बोलते हैं, हाँ, वो जो आज के बहुत मजे थे स्पाइसी थे, वो बंदा जो कह रहा था मैंने कहा मैंने अभी खाए नहीं है शायद वो ठीक कह रहा हो, मैंने खाए हैं बहरहाल बहुत अच्छे थे जी मजा आया जी, बहुत शुक्रिया। और अच्छा वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, वो जो बंदा कह रहा था कि जी असल नहीं है, मैंने इसको बोला यार आप जहाँ से कहोगे वहां से लेंगे, वो बंदा अकबरी मंडी का था उसके बकौल, वो कह रहा मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मैंने कहा जरा जीला भाई से पूछा नहीं जीला भाई क्या कहते हैं जी, मैंने वो कल भी बोला था, कल मेरी आखिरी वीडियो थी, मैंने कहा मैं आज के बाद जवाब नहीं दूंगा, ये मुझे त्याने लगा रहे हैं, ऐसी है बच्चा है कोई बड़ा हो तो मतलब बताता भी उसकी उम्र है छोटा सा है वो, अब सुनो क्या क्या बहस करूंगा, मेरी चिट्टी दाढ़ी है मैं उसके साथ क्या बहस करूंगी, मेरे पास आज माशाल्लाह इतने बूढ़े लोग आए हैं अस्सी लोग आए उन्होंने मुझे खाना चपली कबाब लिए हैं, ज्यादा डील लिए हैं 20-25-30 डील लिए, आज खुशी की ये बात है 2 घंटे पहले फारिग हो गया, मैं वही दे रहा हूँ 3:30 बजे पहले यार फारिग, हाँ जी पहले फारिग हो गया, जो मुझे आज माशाल्लाह पार्सल बहुत ज्यादा गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का मुझे बहुत शुक्र है, इस चीज को मैं पहले कल भी बताया था आज का फिर कह रहा हूँ मैं इसको ध्यान नहीं देना ना मैंने इसका जवाब देना है भाई जान, बच्चा है उसको मैं क्या जवाब दूँ, आप उसकी वीडियो लाजमी लगाए लोगों को पता, बच्चा है उसको मैं क्या जवाब दूँ, वो देसी की असल मैं उसको कहा भाई जो कंपनियां कहते मैं लगाने को तैयार हूँ, वो फिर भी नहीं मारा मुझे मजा नहीं आया भाई, मैं तेरी माँ थोड़ी हाँ तेरी अम्मी थोड़ी है जरी मजा तेरी बुढ़ी है जरा मैं चस्ता मजा नहीं आया दे ना मम्मी है ना तेरी बुढ़ी हाँ तो मैं मेरे बच्चे तेरी मेहरबानी है भाई है छोटा वीर है ते एहो जी गल्ला नहीं करी दियां, एडा बड़ा ब्रांड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात ने बनाता अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह की आस में ना जिन्हें मर्जी मैंने कुछ कही जा मन कोई गर्ज नहीं गा, इवाम का प्यार है हूं कि 100 बंदे जी तू कला बंदा है भुड़कना पे हमें तंदुरुस्ती दे वो इतने अच्छे हमें काम करने का तरीका बता दिया है, कसम अपने लाहौर में किसी को गलत काम करने दे सकते नहीं दे सकते, उनकी पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते अच्छा काम करो आपको कुछ नहीं कहते अच्छा काम करो साफ सफाई रखो इसमें कोई नहीं है, ये मुझे अल्लाह की देन है मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं देसी घी और भी लगा सकते भाई ठीक है ना, इतने ब्रांड है मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ सब मेरे भाई हैं सब ब्रांड होटल हैं बच्चे हैं माशाल्लाह, बाकी मुझे शौक है चीज़ लगाने का मैं खुद कहता हूँ मुझे अपने लड़कों को फिर चालू ना तो वो नहीं चलता भाई, इस भाई का जवाब है हीला जवाब है मेरा, वो भाई
आपका भला करे, आप जो मर्जी को, मैंने अपना काम करना, आपके पास आप किसी का मैंने जवाब नहीं देना। बहुत शुक्रिया, आए 100 दफा आए, खाएं, टेस्ट करें, नहीं भी अच्छा लगता आप भी कह दें कोई मसला नहीं है। मैं आपको इस भाई को मैं बुलाने तो नहीं क्या कर रहे हैं, या तो मैं बुरा हूँ फिर क्यों आए इधर, ऐसे ही ना खा के कह रहे हो। हाँ जी, ये तो मैं बुरा हूँ तो फिर क्यों आयो भाई, ये अल्लाह की देन है भाई, अल्लाह के फैसले पे तुम लोग नहीं कुछ कर सकते, ये रब के फैसले है, किसी को इसे दे रहा है किसी को नहीं दे रहा, ये रब के फैसले है। मैं अल्लाह के फैसले में खुश हूँ और मेरा एक पैगाम है आपको, आपने अल्लाह पर दामन नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मेरा यकीन अल्लाह पर है, इससे मुझे रिज़्क मिल रहा है। और अल्लाह पाक आपको जो मेरी वीडियो बना रहे हैं, जो मुझे लोगों को दिखा रहे हैं, अल्लाह पाक आपसे तंदुरुस्ती आपको दे, मेरी दुआ है। आप मेरे लिए लड़ते हो, आपको मैं पैसे थोड़ी दे रहा हूँ, या मेरे को रिश्तेदार थोड़ी, मैंने उसको यही बोला ना, तो भाई कुछ दे रहे ना, मैं आपको कह सकता हूँ उसकी वीडियो ना चलाओ, मैं ये भी कह सकता हूँ, पर नहीं, आपको उसका भी हक है, आपका भी हक है, वाम को दिखाए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो मुझे वाम प्यार दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरे बंदों को भेज रहा है, मेरी वाम को भेज रहा है, मैं नहीं बुला रहा, मेरे अल्लाह पाक के दिलो ग्राम पा रहा है और हजूर पाक मुझे सदका मिल रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजर आके हर बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कसम खाने को ला इला इला मुहम्मद सल्लल्लाह, मैं दो नंबरी किसी भी काम में नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कसम खाने को, वैसे इंसान को कसम नहीं खानी चाहिए, अगर वो कारोबार कर रहा है, अगर वो अपने आप को बार बार एक्सक्यूज कर रहा है, कसम खा रहा है, फिर आपको यकीन करना चाहिए। अगर अगर ये दो नंबर अगर कुछ गलत करते हैं कसम खा के भी, ये फिर आपके भी और अपने भी देनदार ऊपर होंगे, अगर उन्हें ऊपर का अगर उन्हें डर ना हो तो वो कभी भी ये बात ना करें। बहरहाली जिला भाई का भी चैनल है जी यूट्यूब के ऊपर, जिला ऑफिसल के नाम से जी, जिला फूड पॉइंट ऑफिसल के नाम से जी, इनके भी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें जी, और हमारा भी चैनल है जी, वो भी बता दें, भोलेनाथ भाई चैनल है, इसको लाइक और शेयर करें, ये बड़े अच्छे भाई है, मेहनत कर रहे हैं और ये सच के सच का साथ देते हैं, झूठ नहीं मारते, सच के भाई बनाओ वीडियो, तो यही है भाई जन आपकी मर्जी है, तो जो मर्जी को मैं आपके पास जवाब नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप अल्लाह पाक और आपको जो मुझे कमेंट में बातें कर हदायत दे, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, जिला एक नशा है, ये नशा हलाल है बस।